In today's class, we will proceed with our next chapter, that is chapter 3. You know the chapter is pair of linear equation in two variables. Pair of linear equation in two variables. देखो पहले जहां था किसी कंसेप्ट की बात है तो बहुत ध्यान से समझना इस चीज को. सबसे पहले आप ये समझो, जो ऑलरेडी आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अगर मैं ये बात करता हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, वन. एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री वन होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन. और डिग्री का मतलब आप सबको अच्छे से पता है, हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन. अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन. देखो लीनियर से एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, लीनियर. लीनियर से एक वर्ड क्या समझ में आ रहा है, लाइन. तो ग्राफ, जब हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, लाइन की. वैसे लीनियर इक्वेशन की क्या पहचान होती है, कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, वन. अब यहां पर जो बात होगी, यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मीन्स डिग्री भी वन होनी चाहिए और कितने वेरिएबल होने चाहिए, टू. तो उसका एक एग्जाम्पल, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. देखो वेरिएबल कितने हैं, टू, और डिग्री कितनी है, वन. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है. तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो देखो जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के हमारे पास क्या होते हैं, फोर मेथड्स होते हैं. कितने मेथड्स, अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूँ तो कितने मेथड्स होते हैं, फोर. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, जैसे कि एक इक्वेशन होगी टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. एक इक्वेशन होगी फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, सॉल्यूशन का मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर, ये इसका सॉल्यूशन. अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास चार मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो सभी से जो आपका आंसर आएगा वो कॉमन. आपके सिलेबस की बात करूं, जो आपका करंट सेशन है उसमें आपको ग्राफिकल मेथड का, ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस का पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को आपके सिलेबस से डिलीट कर दें. तो हम जो वर्क करेंगे आप तीन मेथड पे करेंगे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. यहां तक सारी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गई यहां पर सारी चीजें, ठीक है. सबसे पहले हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1. तो देखो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 क्या है आपका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम. आपको एक प्रॉब्लम की बना है, इस प्रॉब्लम का यूज करके आपको क्या बनानी, लीनियर इक्वेशन बनानी, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो मैंने कितने मेथड बताया थे आपको, चार. पहला क्या, ग्राफिकल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन ऑफ फोर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो अब हम किस मेथड पे वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट कि ग्राफिकली आप लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे फाइंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कि आपको दो लीनियर इक्वेशन बनानी है. कितनी बनानी है, दो लीनियर इक्वेशन. जैसे कि आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है आपका, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज. 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में क्या किया, पार्टिसिपेट किया. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो आपको क्या कहा जा रहा है, कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, जो मेन मेन पॉइंट को अगर मैं हाईलाइट करता हूं तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10. पहला पॉइंट ये है. दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है, कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है. ये दो पॉइंट आपसे पूछे गए हैं. फिर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सपोजिशन से स्टार्ट करते हैं. तो आपने क्या लिखा, लेट लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई. अब एक्स और वाई क्यों लिखा, बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको टू वेरिएबल पर काम,
इतनी समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो केस वन है, केस वन में यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या की है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 10। तो कहना ही से दैट एक्स प्लस वाई, अगर नंबर ऑफ बॉयज एक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई है, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, 10 होगा। तो आपको फर्स्ट केस में यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो केस वन हो, दैट इज नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब आगे देखो। क्या नहीं से दैट, क्या ही आपको फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ रही है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 10। अब हम आते हैं सेकंड इंफॉर्मेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन से मैंने बना दिया केस। क्या कहा गया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कितनी, बाय 4, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का जो डिफरेंस है वो 4 के इक्वल है, या फिर आप ऐसे कहो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। क्या एग्री करते हो इस बात से? हमें तो इक्वल करना होता है ना, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज करना तो बॉयज में क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, 4। बिकॉज नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने क्या लिया है, वाई, नंबर ऑफ बॉयज को क्या लिया है, एक्स प्लस 4। कैन आई से दैट, कैन आई से दैट एक्स प्लस वाई को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। समझ में आ गई? फर्स्ट केस आपका फर्स्ट सिचुएशन से बना, क्या कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल टू 10, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन से, दो इक्वेशन के लिए दो इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, तभी आप बना पाओ। और ये आपको हर क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत, एक केस वन हो जाएगा और एक हो जाएगा केस टू। समझ में आ गया? सेकंड इंफॉर्मेशन कहते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा। तो आपने कहा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये आपके पास दो इक्वेशन था। अब आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो आपको क्या सॉल्व करना है ग्राफिकली, मैंने आपको अभी बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइन। तो अगर दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगी, इसी से एग्री करते हो? अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो कितनी लाइन्स बनेगी, दो लाइन्स बनेगी। पहले मतलब ये चीज समझ में आ रही है? तो ये देखो, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है आपका, 10 के। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो पहले हमें क्या बनाना होता है, पॉइंट्स टेबल बनाना होता है, ये तो याद है ना, 9th क्लास में भी करते थे। कैन आई से दैट, कैन आई से दैट एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, यस और नो? अब आप एक एक करके वाई की वैल्यू पुट करो, से मैंने वाई की जगह पुट कर दिया 5, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो ये क्लियर हो गया। फिर आपने वाई की जगह क्या पुट कर दिया, 6, 6, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आपने वाई की जगह क्या पुट कर दिया, 4, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो आपको पॉइंट्स टेबल में 3 पॉइंट्स देने, एटलीस्ट 3 से काम चल जाएगा, कोशिश यही करने की 3 पॉइंट देने। तो फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट टेबल क्लियर है, चले आगे। अब आ जाओ सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है ये आप एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, इसमें देखो, मैं माइनस वाई को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वाई, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4। तो क्या ये सिचुएशन क्लियर है आप? अब इक्वल टू में एक्स है ना, अब एक्स की वैल्यू एक एक करके पुट करो, से आपने एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, 1। जब एक्स की जगह 1 पुट करोगे, कहने से देन वाई इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, यस और नो? फिर आपने एक्स की जगह पुट कर दिया 0, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, ये आ गया 4 आपका। फिर आपने एक्स की जगह पुट कर दिया माइनस वन, माइनस वन, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस फोर इक्वल टू 3, इसमें कोई डाउट? तो दो इक्वेशन से आपने दो पॉइंट टेबल बनाए। अब दोनों पॉइंट टेबल का यूज करके आप क्या बनाएंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो करें। तो देखो इधर, देखो पहले इस टेबल को देखो, एक्स कितना है, 5, वाई कितना, 5। तो आप देखो दोनों दोनों ही जो इक्वेशन है आपकी वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक ही एक्सिस पर शो करो, जैसे एक ही कार्टेशियन प्लेन बनाना, अलग अलग नहीं बनाना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहले मैं इसकी लीनियर इक्वेशन बना रहा हूँ। तो देखो 5 पर 5, तो क्या एग्री करते हो, 5 पर 5 ये वाला पॉइंट होगा। फिर है 4 पर 6, तो एक्स का 4 देखो क्या है, ये एक्स का 4 है और वाई का, वाई पॉइंट कितना है, 6, तो 4 पर 6 पर आ जाओ, तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर क्या है, 6 पर 4, एक्स का 6, एक्स का 6 और वाई का 4, एक्स का 6 और वाई का 4, ये वाला पॉइंट हो गया।
मैंने आपको 9th क्लास में बताया था, अगर आपकी प्रेजेंटेशन ये पॉइंट टेबल ठीक बना हुआ है तो लाइन हमेशा कैसी आएगी, स्ट्रेट आएगी। तो आप देखो ये लाइन स्ट्रेट आ रही, ये लाइन क्या आ रही है आपकी, स्ट्रेट आ रही। ये क्लियर हो गया, चले आगे। ठीक है अब आगे आ जाओ, अब हम सेकंड टेबल पर आते हैं। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में क्या है, एक्स कितना 1 और वाई 5। पहले एक्स पर 1 पोजिशन पर आओ, ये 1, और वाई कितना 5, तो 1 पर 5 कहने से दिस पॉइंट, देन x0 y4। तो x0 तो ये हो गया, y4 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। देन x-1 और y3 है, x-1 और y3 ये वाला पॉइंट हो। यहां से भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से भी लाइन ड्रॉ कर दो। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, यही आपका सोल्यूशन। तो ग्राफिकली जब दो लीनियर इक्वेशन से हम आंसर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, दो लीनियर इक्वेशन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट पर जो एक्स और वाई होता है वो आंसर। अब इस पॉइंट का एक्स कितना है देखो, 3 है, और इस पॉइंट का वाई कितना है, 7। का मतलब नंबर ऑफ बॉयज को आपने एक्स लिया था तो 3 है, आपका एक्स पोजीशन पर है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 3। नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने वाई लिया था, वाई पॉइंट कितना आपका, 7, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, 7। देखो आपकी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है। समझ में आया ग्राफिकली कैसे आंसर फाइंड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जब प्रॉब्लम गिवन है, इसमें दो दो सिचुएशन गिवन होगी, दो केस गिवन होंगे, दो केस से आपकी दो इक्वेशन बनेगी। दोनों ही क्वेश्चन से आप दो पॉइंट टेबल बनाओगे, दोनों पॉइंट टेबल का यूज करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से दो लिनियर इक्वेशन की दो लाइन बनाओ। दो लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट का जो एक्स और वाई होगा वो आपका सोल्यूशन। इतनी समझ में आ रही है? ठीक है तो आप देख सकते हो जो आपका आंसर आएगा ग्राफिकली, ग्राफिकली जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3, वाई की वैल्यू 7। इट मीन नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। क्लियर है? ठीक है चलो फिर फटाफट नोट डाउन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ 3.2 जो लिखा हुआ था उसका, वो इसलिए लिखा हुआ था कि प्रीवियस सेशन के हिसाब से अगर आप देखो, जिन भी बच्चों के पास पुरानी बुक है कि जो एक्सरसाइज 3.2 है वो आपकी जो करंट सेशन है 2023-24 में, वो एक्सरसाइज आपकी 3.2 अब आपकी एक्सरसाइज 3.1 हो जाएगी न्यू सेशन। तो जो बच्चे पुरानी बुक यूज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.2 को काट के 2.1 कर, समझ में आ रहा है? ठीक है वही जो 3.2 थी लास्ट सेशन में वो अब 3.1 हो गया, वो लास्ट सेशन की 3.1 जो है करंट सेशन से डिलीट हो गई। ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कर, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है आपका देखो, क्वेश्चन इज 5 पेंसिल एंड 7 पेंस टूगेदर कॉस्ट ₹50। कैन आई से दैट ये मेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये मेरी क्या है फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैं क्या लूंगा केस 1। फिर आगे क्या कहा जा रहा है आपको, मेरा 7 पेंसिल एंड 5 पेन टूगेदर कॉस्ट ₹56। अब एक बात देख लो, अगर मैं 1 पेंसिल को ₹X दे देता हूँ, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी ले देता हूँ, ₹X। ध्यान से समझना, देखो, और 1 पेन की कॉस्ट अगर मैं ₹Y ले लेता हूँ तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट ₹X है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5X। 1 पेन की कॉस्ट अगर ₹Y है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7Y। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। तो ये केस 1 से फर्स्ट इक्वेशन बन गई, समझ में आ रहा है? ठीक है अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट आपकी ₹X है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7X। प्लस अगर 1 पेन की कॉस्ट ₹Y है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5Y। और टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, 46। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। पहले बता दोनों इक्वेशन में कोई डाउट क्लियर है? तो यही आपने किया है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹Y ले लिया आपने फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आपने क्या किया, दो जो कंडीशन की बना है केस 1 और केस 2 से आपकी दो इक्वेशन बन गई। अब मुझे पॉइंट टेबल बनाना है, तो जब पॉइंट टेबल बनाना होता है तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम दूसरे वेरिएबल की इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। तो देखो कैन आई से दैट अगर 5x इक्वल टू, 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 - 7y, यस और नो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 - 7y, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के, क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब आपको एक एक करके वाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और इस चीज का कोशिश यही करना है कि ऐसी वैल्यू रखो कि जो भी वैल्यू इसको न्यूमरेटर को सॉल्व करके आए वो 5 से क्या हो, डिविजिबल। जैसे कि आपने 5 y की जगह क्या पुट कर दिया, 3। तो देखो जब आप y की जगह 3 पुट करोगे, y की जगह आप 3 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50
-7 × 3/5 हो गया, नहीं होगा तो ये हो जाएगा 50 - 7 का कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। जी समझ में आ रही है? ठीक है, तो 50 में से 21 माइनस कर, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा आपका 9, 4 - 2 क्या हो जाएगा 29, 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये एरर आ रहा है, ये हो जाएगा 5 5 = 25 और 4 0 5 8 = 40। तो अगर आप आंसर इसको हम पी लेते हैं, क्या लेते हैं 3, 3 आप एक्स की जगह आइडियली आप जो कह रहे हो वाई की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू ले रही है वाई की, वाई की जगह आइडियली हमें यहाँ पर क्या लेना चाहिए 0 ले लो, क्या ले लो 0, जो आपने पॉइंट किया मैं वही कह रहा हूँ। अगर इसके हिसाब से आओगे तो यहाँ कैलकुलेशन में आ रहा है, मैंने कहा वाई की ऐसी वैल्यू पुट करोगे 0, 5 से क्या हो डिविजिबल हो, तो अगर मैं वाई की जगह 0 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ 0, तो देखो 50 - 7 × 0/5 कहना चाहिए 50/5 क्या हो जाएगा 10, तो 0 लेना चाहिए हमें, क्या लेना चाहिए 0, तो क्या मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो आपने वाई की जगह क्या पुट किया था 0, एक मिनट वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये देखो वाई की जगह आप 0 रखा तो ये आगे 10, ये पॉइंट आप ऑलरेडी ले चुके। अब आप लोग बताओ कि और कौन सा पॉइंट हम यहाँ पे रखें, यहाँ जो भी वैल्यू है वो 5 से क्या डिविजिबल, 50 भाई ये पॉइंट पे, तो अगर इसके साथ होगा डेसिमल में काम करना पड़ेगा तो। हाँ जी 5, चलो 5 ले लेते हैं, अगर मैं वाई की जगह क्या लेता हूँ 5, वाई की जगह क्या लेता हूँ 5, तो आपने रखा 50 - 7 × 5 अपॉन में 5 हो जाएगा, तो 50 - 35/5 और ये आ जाएगा 15/5 और 3, और ये यही हमने यहाँ पर किया एक्चुअली, हम इसको अपोजिट रीड कर रहे हैं, ये देखो वाई की जगह 5 ही रखा है ना, हम इसको उल्टा रीड कर रहे हैं, यही पॉइंट आपने लिया कि वाई की जगह क्या लिया 5 और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3, ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है आंसर? चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अब देखो अब आपने क्या किया, वाई की जगह हमने क्या पुट किया 10, अब आपने वाई की जगह क्या पुट किया 10, तो देखो जब आप इस वाई की जगह 10 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 - 7 × 10/5, तो कहना चाहिए 50 - 70/5, यस और नो, तो कितना हो जाएगा -20/5, कितना हो जाएगा -2, क्लियर हो गया तक? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे जो एरर आया था वो बता देता हूँ, पॉइंट तो हमने यही लिया था लेकिन मैं उसको उल्टा देख रहा, हमने वैल्यू किसकी पुट करनी है वाई की, पहले आपने कितनी वैल्यू पुट की 5, जैसे आपने वाई की जगह 5 पुट किया एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, क्या ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर है? फिर जैसे आपने वाई की जगह 0 पुट किया, 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये भी क्लियर है? फिर आपने वाई की जगह 10 पुट किया और एक्स की वैल्यू -2 रखी, चले हम आगे, क्लियर है आंसर? ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अब जो आपकी इक्वेशन है, जो आपकी इक्वेशन है वह 7x + 5y = 40, सेम हमने यहाँ पर भी क्या किया, आपने लिखा 7x = 46 - 5y, ये क्लियर है? तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 - 5y / 7, ये क्लियर है? अब अगेन वाई की ऐसी वैल्यू पुट करो कि वो 7 से क्या हो डिविजिबल हो, तो आपने वाई पर फोकस करो, वाई की जगह आपने पुट किया -2, जैसे मैं यहाँ वाई की जगह -2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 46 - 5 × -2, सीधा लिखू 10, फोन में क्या हो जाएगा 7, और आपको पता 56 7 के टेबल पर किस पर आता है 8 पर, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है? आगे देखो, फिर आपने वाई की जगह पुट किया 5, क्या पुट किया 5, अब वाई की जगह 5 पुट करो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 46 - 5 × 5 अपॉन में क्या होगा 7, तो ये हो जाएगा 46 - 25/7, 6 - 5 क्या हो जाएगा 1, 4 - 2 20, 21/7 क्या हो जाएगा 3, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर है? ठीक है, फिर आपने वाई की जगह क्या पुट किया 12, अब देखो जैसे मैं 12 पुट करूंगा 46 - 5 × 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 46 - 60/7, 46 - 60 कितना हो जाएगा 14, -14 ये हो गया -14/7 विच इज इक्वल टू -2, बोलो भी कोई डाउट है? क्लियर है, तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन से दो आपके पास पॉइंट टेबल है, ये आपके पास दो पॉइंट टेबल, ठीक है, ये आपके पास दो पॉइंट टेबल आ गए। अब देखो पहले मैं इस पॉइंट टेबल की बात करूं, एक्स कितना है 3 और वाई कितना 5, तो ये रहा एक्स का 3 और ये वाई का 5, तो ये वाला पॉइंट होगा, एग्री करते? फिर आपका एक्स कितना 10 और वाई कितना 0, तो एक्स का 10, ये आपका एक्स का 10 है और वाई का 0 भी इसी पॉइंट पर होगा, ये एग्री करते? फिर आपका एक्स कितना -4 और वाई कितना 10, तो ये एक्स का -4 और वाई कितना 10, इसको ऊपर लेके जाओ 10 के सामने, तो ये वाला पॉइंट आ गया,
तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की लाइन ये हो, बोलो भाई क्लियर है। सेकंड पर आ जाओ, सेकंड का पॉइंट टेबल देखो, एक्स आपका 8 है और वाई माइनस 2 है, एक्स आपका 8 है और वाई माइनस 2 है, तो 8 से थोड़ा नीचे आ जाओ, ये आ माइनस 2 के बिल्कुल सामने, ये क्लियर है। फिर एक्स आपका 3 और वाई आपका 5 है, तो एक्स आपका 3 और वाई आपका 5 है, कॉमन पॉइंट आ गया। फिर एक्स आपका क्या है, माइनस 2 और वाई आपका 12 है, तो ये एक्स का माइनस 2 और वाई आपका 12 है, तो ये 12 के सामने यहाँ आ जाए। तो ये जो रेड कलर से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन को प्रेजेंट कर, बोलो भाई क्लियर है। तो जो आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, यही तो आपका है आंसर। और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 3, वाई की वैल्यू क्या है 5, तो एक्स की वैल्यू 3 है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, ₹3। और वाई की वैल्यू क्या है 5, वाई की वैल्यू क्या है 5, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी, ₹5। कोई डाउट है तो क्लियर हो गया। दो कंडीशन गिवन होगी, जो आपके दो केस होंगे, दो केस से दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, दो लीनियर इक्वेशन से दो पॉइंट टेबल बनाओगे, दो पॉइंट टेबल से ग्राफिकली इस तरह से दो इक्वेशन बनेगी आपकी, और जहां वो इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका सोल्यूशन होगा। ग्राफिकली सोल्यूशन ऐसे फाइंड किया, पहला मेथड समझ में आ गया ग्राफिकली क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, पहले वो समझते हैं। देखो आपका जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आपका, नॉट चैप्टर, नेक्स्ट कंसेप्ट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब टू लाइंस, पेयर का मतलब टू लाइंस, और लीनियर से मैंने क्या कहा था, क्या क्या वर्ड आता है, यानी कि पेयर ऑफ टू लाइंस और किसमें है, टू वेरिएबल, यानी कि एक लाइन की जो इक्वेशन है, लाइन की जो इक्वेशन है वो कितने वेरिएबल में है, टू वेरिएबल में, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉलोइंग वे। देखो भाई आपको ग्राफिकल मेथड से ये तो क्लियर हो गया है ना कि दो लीनियर इक्वेशन से दो लाइन आती है, और वो जो दो लाइन होती है ग्राफिकली वो कितने बेस में रिप्रेजेंट हो सकती है, वो दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हो सकती है, वो दो लाइंस कैसी हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, वो दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट हो सकती है। जैसे कि अभी आपने जो दोनों पार्ट्स किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, दोनों लाइंस कैसी थी, इंटरसेक्ट, वो दो लाइन कोइंसाइड भी कर सकती है। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन की इक्वेशन दूसरे लाइन की इक्वेशन के ऊपर क्या होगी, इस तरह से कोइंसाइड करें। कहने का मतलब है कि जो दो लाइंस होती है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल की, जो दो लाइंस होती है उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन मेथड है, या उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट कि वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। सेकेंड वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होगी, या वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, कोइंसाइड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो भी गिवन टू लाइंस हैं, जो भी गिवन टू लाइंस है, हम दो लाइंस को देख के जज कैसे करेंगे कौन सी लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग होगी, कौन सी जो गिवन टू इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइंस है वो पैरेलल प्रेजेंटेशन होगी, और कौन सी जो गिवन टू इक्वेशन ऑफ लाइन है उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, वो कोइंसिडेंट, वो हम कैसे जज करेंगे। तो उसके लिए आपके पास कंसेप्ट होता है, उसके लिए आपके पास कंसेप्ट होता है। जैसे कि मान लो कि जो आपकी गिवन टू इक्वेशन ऑफ लाइंस है वो ये है L1, ये लाइन 1, इसकी इक्वेशन क्या है, a1x + b1y + c1 = 0, और जो सेकंड इक्वेशन है उसके टू वेरिएबल की जो इक्वेशन है वो क्या है, a2x + b2y + c2 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को देख के मैं कैसे जज करूंगा कि इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी हुई। तो देखो इसके लिए कंसेप्ट ये कहता है, अगर इसे दो लाइंस की इक्वेशन है, इसमें अगर आपका a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंपल सी बात है, अगर a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2 आ रहा है, यानी कि कोफिशियंट ऑफ एक्स ऑफ फर्स्ट लाइन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स ऑफ सेकंड लाइन, दैट इज a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई वेरिएबल ऑफ फर्स्ट लाइन अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई वेरिएबल ऑफ सेकंड लाइन, अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब वो जो दो लाइंस है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसी होगी, इंटरसेक्ट। समझ में आ रहा है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। लेकिन अगर जो आपकी गिवन टू इक्वेशन ऑफ लाइन है उनमें दोनों ही लाइंस ऑफ इक्वेशन में जो रिलेशन आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, तो आप देखोगे कि इनकी जो ग्राफिकल लाइन बनेगी, दोनों लाइंस जो बनेगी वो कोइंसाइड करेगी। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि a1 / a2 = b1 / b2 आ रहा है बट नॉट इक्वल टू c1 / c2 आ रहा है, तो वहां पे जो दोनों लाइंस है उनकी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, पहले बताओ क्या समझ में आया आपको।
भैया अगर दो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है हमें टू वेरिएबल इन द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होगी, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। और कोइंसिडेंट के लिए क्या एक कंडीशन होगी, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। पहले बताओ कंसेप्ट क्लियर हो गया, चले आगे। ठीक है, अब इस पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखो क्या कहा जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर टू इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। रेशियो कंपेयर करना है, जैसे अभी हमने जो बात करते हैं वो रेशियो, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू। आपको कहा जा रहा है दो लाइन्स के रेशियो को कंपेयर करो एंड फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, वो इंटरसेक्ट करेंगी या जो लाइन्स होगी वो पैरेलल होगी या कौन साइड क्या होगी कौन साइड। तो देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये आपकी लाइन, फर्स्ट वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो जो आपका आंसर होगा वो आपको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। कैन आई से दैट ये आपका ए वन है और ये आपका ए टू है। तो ए वन बाई ए टू क्या हो गया, 5/7। कैन आई से दैट -4 इज बी वन एंड बी टू इज 6, तो बी वन बाई बी टू क्या हो गया, -4/6। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, -2/3। क्या ये इक्वल आ रहा है, ऐसे बात यही खत्म, आगे भी करने की जरूरत ना, आप डायरेक्टली यहां से ले सकते हो, बिकॉज ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। इसका मतलब क्या है, लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। ये दोनों लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है पार्ट टू पर आ जाओ। पार्ट टू, पार्ट टू क्या आपका, 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो जब आप यहां से रेशियोज निकालोगे तो देखो ए वन क्या है आपका 9, ए टू आपका क्या 18, तो ए वन बाई ए टू क्या होगा, 9/18, सिंप्लीफाई करके 1/2 आएगा आएगा। ठीक है आगे देखो, बी वन क्या है आपका 3 और बी टू आपका क्या 6, बी वन बाई बी टू हो गया 3/6, सिंप्लीफाई करके ये भी 1/2 आएगा। अभी तो इक्वल आ रहे हैं, अब आपको सी वन बाई सी टू निकालना जरूरी है। जब आप सी वन बाई सी टू निकालोगे तो 12/24 ये भी आपका कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई होके 1/2 1/2 1/2। तीनों ही रेशियो अगर इक्वल होंगे तो लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट भी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0, सेकंड है 2x - y + 9 = 0। तो देखो कैन आई से दैट ए वन बाई ए टू इज 6/2 इज 3, बी वन बाई बी टू इज -3/-1 दैट इज 3, ये भी इक्वल आ रहा है। तो जब आप सी वन बाय सी टू निकालोगे तो आपने ये देखा कि भाई ये तो 10/9 आ रहा था, इक्वल नहीं आ रहा है, इसमें लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। बिकॉज़ ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। क्लियर है आता है, ठीक है। अभी तक जो आपने समझा आपको ये समझ में आ गया कि अगर ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू है तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। फिर आपको ये समझ में आ गया कि अगर ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू है तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल। और आपको ये समझ में आ गया कि अगर ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू है तो लाइन कैसे होगी, कौन सा है। इतनी समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखो अगर ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू होता है तो इसको हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ से जो सोल्यूशन मिलता है हमें उसको क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन। अगर दो लाइन्स आपकी इंटरसेक्टिंग है तो वहां से जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो लाइन आपको जो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगी वो कैसा रिप्रेजेंट करेगी, यूनिक सॉल्यूशन। एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ बॉयज 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स 7, वो कहता है यूनिक सॉल्यूशन, अलग अलग आंसर तो नहीं आते। एक्स की एक वैल्यू आ रही थी और वाई की एक वैल्यू, यानी कि अगर आप उन इक्वेशंस को चेक करोगे तो वो आपकी कैसे होगी, वो इसी कंडीशंस के को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ग्राफिकली अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या, वो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना भी तभी पॉसिबल होगा जब लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तभी आप ग्राफिकली आंसर फाइंड कर सकते हो, आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो जहां वो इंटरसेक्ट करेगी वही तो सॉल्यूशन होगा। अब क्या पैरेलल के केस में आंसर फाइंड करना पॉसिबल है, इसलिए अगर कंडीशन ये आ रही है पैरेलल इक्वेशन वाली तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। भैया इस केस में हम सॉल्यूशन फाइंड कर ही नहीं सकते,
लेकिन अगर A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 हो तो ये लाइन तो सारी जगह हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, बी कौन सा ऐड कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कैसे होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एक चीज ये समझ में आ गई। दूसरी चीज आप ये समझो, ये शुरू से नॉट इक्वल है ना, तो कहने से भाई कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, जो शुरू से लेके लास्ट तक वैसे का वैसे है। अब देखो ये शुरू से नॉट इक्वल है तो आप इसको क्या कहोगे, ये सॉल्यूशन कैसा होता है, ये लाइन कैसा सॉल्यूशन देती है, कंसिस्टेंट। ये पहले तो इक्वल था फिर नॉट इक्वल हो गया, क्या आप इसको कंसिस्टेंट कहोगे, तो ये जो कंडीशन होती है ये कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। ये पहले भी इक्वल था और बाद में भी इक्वल था, इसको भी हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के कितने केस होते हैं, तो कब, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है और जब लाइन कोइंसाइड, मीन्स जब A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 होता है और A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू क्या होता है, C1 by C2। मेरी समझ में आ रही है, ठीक है चले आगे। यहाँ तक जो आपने समझा पहले बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस पर बेस जो आपका क्वेश्चन है, पहले उस पर आओ, पर बेस जो आपका क्वेश्चन है दैट इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, अगेन आपको रेशियो कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सिर्फ ये बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंट के लिए क्या होगा, या तो A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 और A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू क्या हो, C1 by C2। और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू क्या हो, C1 by C2। डाउट है तुम्हें, हाँ जी ये वाला केस, ये हाँ, अगर पहले वो मैंने आपको क्या कहा, अगर A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, बस आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसी भी केस में देखो A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 है, जो किसी के साथ कॉमन केस नहीं है। जब भी आप चेक करोगे इसमें कंडीशन यही मिलेगी आपको, अगर A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 है तो आगे भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू C1 by C2, बट आपको उसको चेक करना ही नहीं होगा कि ये कंडीशन जो सिर्फ इसी यहाँ पर ही और किसी केस में दिखाई दे रही है आप, नहीं है ना। अगर नॉट इक्वल है तो क्या हो गया, वो यूनिक सॉल्यूशन। पर अगर ओवरऑल चेक करोगे तो इसमें तीनों ही नॉट इक्वल है, अगर ये दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं तो आगे वाले भी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। अभी मैं आपको चेक भी कर रहा हूँ, चले आगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, 3x+2y=5 ये है। सेकंड इक्वेशन 2x-3y=7। तो देखो 3x+2y इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या होगा, -5=0, और यहाँ देखो 2x-3y इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या होगा, -7=0। जी समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ देखो कहने से दैट ये A1 है, ये A2 है, ये आपका B1 है, ये B2 है, और ये आपका C1 है, और ये क्या आपका C2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आप देखो A1 by A2 क्या होगा, 3/2, B1 by B2 क्या होगा, -2/3। अब आगे चलो मैं C1 by C2 भी चेक कर दूँ, तो देखो C1 by C2 क्या होगा, -5/-7, वो भी इक्वल नहीं आ रहा है, बट उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉट इक्वल है बात कर, अब नॉट इक्वल है तो मैं क्या सकता हूँ, कंसिस्टेंट है, तो ये वाला केस क्या है आपका, लाइन्स आर कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया आज तक, ठीक है। इसके पार्ट टू पर आ जाओ, 2x-3y=8 और 4x-6y=9। तो देखो कैन आई से दैट A1 मेरा क्या होगा यहाँ पर, 2, और A2 क्या होगा, 4, B1 आपका क्या होगा, -3, और B2 आपका क्या होगा, -6। इसी तरह से आपका जो C1 होगा वो क्या होगा, 8, और C2 क्या होगा, 9। क्लियर हो गया। अब देखो A1 by A2 2/4 क्या होगा, 1/2, B1 by B2 क्या होगा, -3/-6, ये भी कितना आ गया, 1/2, और C1 by C2 ये क्या हो गया, 8/9, 8/9। तो देखो A1 by A2 इक्वल है B1 by B2 के, बट आगे नॉट इक्वल है। देखने से समझो जो आपका लॉजिक है, क्या कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, पहले तो इक्वल है फिर नॉट इक्वल है, तो ये क्या होगा, इस पे क्या होगा, लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट पर आ जाओ,
3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो इसमें देखो क्या होगा, ये हो गया a1, तो ये हो गया आपका a। अच्छा जब आप c1 बाय c2 लिखते हो, एक चीज का ध्यान रखना, या तो दोनों कॉन्स्टेंट आपके राइट साइड में हो, या दोनों ही कॉन्स्टेंट को, ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन में कॉन्स्टेंट राइट साइड में है, जैसे कि ऐसे नहीं लिखना है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 हो गया, फिर हो गया 4x प्लस 5y माइनस 9, ऐसे नहीं करना है। या तो इसको भी यहां पर रखो या इसको यहां ले जाओ, दोनों की कांस्टेंट की जो पोजीशन है वो एक ही साइड पे होनी चाहिए। आ जाओ, दोनों की कांस्टेंट की पोजीशन है वो एक ही साइड पे होनी चाहिए, ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो देखो तो A1 और A2 आ गया आपके पास, अब B1 देखो, B1 क्या है आपका 5/3 और B2 आपका क्या है माइनस। तरह से जो C1 है आपका C1 क्या है आपका 7 और C2, अब C1 C2 की पोजीशन एक ही साइड पर है ना, दोनों ही क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है आपके वो कौन सी साइड पर है, राइट हैंड साइड, कौन से साइड में, राइट हैंड साइड, समझ में आ रही है। ठीक है, तो चेक करो, तो आप ये देखो, अब या तो देखो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करो जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं, अगर मैं A1 बाय A2 निकालता हूं तो क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 9, इसको मैं लिखू 9/1, तो ये हो जाएगा 3/2 × 1/9, तो 3 1 3 3 3 9 कितना हो गया, ये 1/6 हो गया। B1 बाय B2 देखो, B1 क्या हो गया आपका 5/3 अपॉन B2 कितना हो गया आपका -10/1। अब इसको देखो, ये हो जाएगा 5/3 × -1/10, 5 2 10, ये हो गया -1/6, तो ये 1/6 था, ये -1/6, बात यही खत्म हो गई। एक तो ये है, लेकिन अगर आप और सिंप्लीफाई करके इसको करना चाहते हो तो पहले दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, क्या ऐसे समझ में आ गया आपको जैसे मैंने बताया। ये तो दूसरा वे क्या है, आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, फिर सिंप्लीफाई करके ये 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। कॉन्स्टेंट को आप राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी सिंप्लीफाई है ना, सिंप्लीफाइड, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको एज इट इज लिखो। अब क्या होगा, A1 क्या हो गया 9 और A2 क्या हो गया 9, तो 9/9 क्या हो जाएगा 1, अब B1 क्या हो गया 10, B2 क्या हो गया -10, ये हो गया -1, क्या इक्वल आ रहा है, तो आपको हो गया नॉट इक्वल है, तो लाइंस आर कंसिस्टेंट, देखो शुरू से इक्वल, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से फोर्थ पार्ट है, फटाफट आप बताओ, इसमें A1 क्या है 5 और A2 क्या है -10, तो मुझे बताओ A1 बाय A2 क्या होगा -5/10, दैट इज -1/2, ये क्लियर है। B1 क्या है -3, B2 क्या है 10, नीचे दी थी माइनस होगा ना, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा ना, जब भी नीचे माइनस आता है उसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, समझ में आ गया। B1 क्या है आपका -3 और B2 क्या है 6, मैं क्या हूँ, मैं कह सकता हूँ -1/2, दोनों इक्वल आ रहा है C1 में C2, और चेक कर लेता, पहले तो देखो कॉन्स्टेंट जो एक ही पोजिशन पर है, दोनों ही क्वेश्चन पर राइट हैंड साइड पर है, तो C1 हो गया या C2 हो गया, अब मुझे बताओ C1 बाय C2 क्या आएगा 11/-1/2, देखो ये ऊपर ही शिफ्ट करेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा -1/2, तीनों इक्वल आ रहे हैं शुरू से लेके लास्ट तक इक्वल है, तो क्या होगा लाइंस आर कंसिस्टेंट, समझ में आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, A1 क्या है आपका फटाफट बताओ 4/3, A2 क्या है 2, अब डायरेक्टली अगर मैं करता हूँ विदाउट सिंप्लीफाई तो देखो 4/3 लिखूंगा और ये 2 है तो 2/1 लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 × 1/2, इसको कैंसिल करो तो क्या आएगा 2/3, एग्री करते हो। आगे देखो, ये क्या है आपका B1 और ये क्या है आपका B2, तो B1 बाय B2 जो है आपका वो क्या आ गया 2/3, एग्री करते हो। कॉन्स्टेंट देखो सेम पोजिशन पर है, दोनों राइट हैंड साइड पर, निकालो C1 बाय C2, C1 बाय C2 क्या होगा 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्या होगा कंसिस्टेंट, और ग्राफिकली ये कौन सी लाइंस होंगी, कौन सी है, ऑप्शन क्लियर हो गया कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये खुद आप घर से करके आओगे। द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर। ठीक है।